ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में विदेशों में जाकर नौकरी करना आसान हो गया है। NRI से शादी कर विदेश में घर बसा लेने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भी NRI लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं तो इन बातों का आपको कुछ ध्यान रखना जरूरी है। शादी से पहले लड़के और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं, यह बहुत आवश्यक है। वह जिस देश में रहता है वहाँ के लीगल सिस्टम, कल्चर और भाषा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करिए। लड़के की सैलरी पैकेज का अपने स्तर पर या एक्सपर्ट की मदद से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें। कई ऐसे मैरिज एजेंट हैं जो सारी जानकारी बता देते हैं। लड़के के रिलेशनशिप बैकग्राउंड के बारे में पता लगाएं, जिससे ये मालूम हो कि लड़का पहले से शादीशुदा या तलाकशुदा तो नहीं। उसके परिवार और दोस्तों की पूरी जानकारी के साथ वह भी पता करें कि कहीं कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। विदेश में रहने वाले लड़के अक्सर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बड़े बड़े दावे भी करते हैं। शादी से पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ यह भी पता करें कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी है वह कर्ज में डूबा हुआ तो नहीं। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे बेहद कदम है। पूरे रीति रिवाज से शादी होने के बाद रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ताकि आगे चलकर अगर कोई समस्या आए तो रजिस्ट्रेशन के कागज और तस्वीरों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यदि अगर आप NRI संघ शादी करने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर कोई समस्या नहीं आएगी।